फ्रेंड्स, लिप टू ईट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल डेट्स ड्राई फ्रूट मिठाई। ये बहुत टेस्टी मिठाई होगी खाने में और इसको बनाना एकदम आसान है, जल्दी से बन जाएगी ये बहुत। इसके लिए हमने एक कप तिल ले लिए हैं, इनको हमने साफ कर लिया है। ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाएंगे। और एक कप ही हमने ये कंडेंस्ड मिल्क लिया है, इसको हमने घर में ही बनाया है। हमने तीन कप दूध में आधा कप चीनी डाल के इसको गैस पे रख दिया था और स्लो पर भी हमने इसको पकाया है। जब एक कप रह गया तो हमने गैस बंद कर दिया। और ये चार इलायची का हमने कूट लिया है, आप पाउडर भी ले सकते हैं। ये 10-12 हमने खजूर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और जो मोटा पार्ट रह गया उसको थोड़ा काट लिया है। और ये एक बड़ी चम्मच हमने किशमिश ली, इनको छोटा छोटा काट लिया है। और ये आधा 8-10 काजू बादाम लिए हमने, इनको भी हमने काट लिया है। सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं। गैस पर हमने एक पैन रख लिया है और इसमें हम तिल डाल देंगे और इनको हम भूनेंगे। तिल हम मीडियम टू लो पर ही भूनेंगे, तेज पर नहीं भूनेंगे। और इसको हम 2 से 2.5 मिनट ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी तिल में। तिल हमें लगातार चलाते हुए भूनने हैं। देखिए तिल चटक रहे हैं काफ़ी, तो संभाल कर भूनिएगा। देखिए तिल में तिल की शेप भी थोड़ी चेंज हो रही है। तिल हमारे भून रहे हैं, उनका कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इनको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में हम निकाल देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। दोस्तों तिल ठंडे हो गए हैं, अब इनमें से थोड़े तिल हम साबुत ही बचा लेंगे। हमें इन्हें ठंडे ही पीसने हैं, अगर हम गर्म गर्म पीसेंगे तो इनका तेल निकल जाएगा। अब इनको हम एक मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। 2-3 बारी चलाएंगे, लगातार नहीं चलाएंगे, रुक रुक के चलाएंगे। तिल को हमने दरदरा पीस लिया है, देखिए। अब एक बॉल ले लेंगे, उसमें हम ये खजूर डाल लेंगे। साथ में ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेंगे। अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और इसको हम मिला लेंगे। तो देखिए ये ड्राई फ्रूट तैयार हो गए हैं, इनको हम एक साइड में रख देते हैं। ये कंडेंस्ड मिल्क लेंगे और इसमें ये पिसा हुआ तिल मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। बहुत टेस्टी मिठाई बनने वाली है। अब सारा तेल हम डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, ये हमने अच्छे से मिला लिया है। इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे ड्राई फ्रूट्स के। देखिए इस तरह से हम बना लेंगे।
दोस्तों देखिए ये ड्राई फ्रूट के हमने गोले बना लिए हैं। बाद में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसमें हम इसको रखेंगे एक लड्डू को ड्राई फ्रूट के, और इसको हम इस तरह से रोल कर देंगे और इसको हल्का सा हम कट कर देंगे और इसको ये सूखे तिल जो हमने बचाए थे भुने हुए इनमें हम रैप कर देंगे। देखिए इसको हम एक बटर पेपर पर रख देंगे। इसी तरह से हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे, उसमें एक ड्राई फ्रूट का लड्डू रखेंगे, इसको हम कवर कर देंगे। इसको हम तिल में अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे अपने। तिल डेढ़ साइज हमारी बनके तैयार है, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा पिस्ता लगा देंगे, पिस्ता से इसकी लुकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और थोड़ा सा पिस्ता को हम प्रेस कर देंगे जिससे कि ये साड़ी में अच्छे से सेट हो जाए। अब इसमें हम एक काजू लगा देंगे, इससे मिठाई और भी सुंदर लगेगी। दोस्तों देखिए तिल डेट्स ड्राई फ्रूट मिठाई हमारी बनके तैयार है और ये देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। जितना लुक अच्छा है ये खाने में उससे भी ज़्यादा सुपर है। आप खा के देखिएगा, ऊपर से सॉफ्ट सॉफ्ट और अंदर से ड्राई फ्रूट्स की क्रंचीनेस आएगी तो आप वाओ कहते हुए नहीं थकेंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए एक मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, देखिए। और ये आधा घंटे एक घंटे बाद काफ़ी थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, अभी ये सॉफ्ट है थोड़ा सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।